अक्सर देखते हैं कि लोग शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे भागते हैं, जैसे कि 7 दिनों में फैट लॉस कीजिए, 15 दिनों में 2 इंच हाइट बढ़ाइए, सोते सोते पैसे कमाइए वगैरह वगैरह। लेकिन सच तो ये है कि आपको सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 3 दोस्त होते हैं जिसमें से एक फ्रेंड खुद को इम्प्रूव करने के लिए डेली कुछ नए एफर्ट्स करता है, अपनी पत्नी के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करता है और डेली वर्कआउट भी करता है, और हर दिन वो अपनी डाइट में से 125 कैलोरीज कट डाउन भी करता है और साथ ही एक मोटिवेशनल बुक भी जरूर पढ़ता है। वहीं दूसरा दोस्त कुछ ज्यादा एफर्ट तो नहीं करता और अपनी जिंदगी को लेकर थोड़ा हताश और निराश होता है। वहीं तीसरा फ्रेंड रेयरली कभी एक्सरसाइज कर लेता है और साथ ही घंटों तक बैठ के टीवी के सामने ड्रिंक्स और कुकीज को एंजॉय करता है, लेकिन अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। इसका नतीजा लगभग 2 से 2.5 साल बाद ये होता है कि तीसरा दोस्त थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाता है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से घिर जाता है और साथ ही ना तो उसके पास उसकी नौकरी रहती है और ना ही उसकी बीवी। और दूसरा दोस्त जैसा वो था वो वैसा ही आज है, लेकिन उसका जिंदगी को लेकर नजरिया थोड़ा और ज्यादा बेरुखा हो जाता है। वहीं जो पहला दोस्त था वो अभी भी स्लिम ट्रिम और एक हेल्दी रिलेशनशिप में अपनी बीवी के साथ है और उसे उसकी जॉब में प्रमोशंस भी मिल रहे हैं। जब आप एक काम लगातार और शिद्दत के साथ करने लगते हैं तो वही काम कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है और आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें बुक्स पढ़ने में आलस आता है, लेकिन उसी के साथ वो अपनी जिंदगी में बदलाव भी लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डेली एटलीस्ट 1 पेज पढ़ने से शुरुआत करनी ही होगी और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी जिससे आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। ये बात हमने आपको द कंपाउंड इफेक्ट बुक से बताई है, जिसमें ऑथर का कहना है कि कंपाउंड इफेक्ट हमेशा ही काम करता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको अपने फेवर में यूज करना चाहते हैं या फिर अपने अगेंस्ट। हर सिचुएशन में ही कंपाउंड इफेक्ट को हम काम करता हुआ देख सकते हैं। अगर आप अपना अनादर सहन करते हैं तो लोग आपका अनादर ही करेंगे। अगर आप लोगों का काम के लिए देर करना टॉलरेट करेंगे तो लोग आपको इंतजार ही कराएंगे। यदि आप कम पैसों में ज्यादा काम करना स्वीकार करते हैं तो आपके साथ ऐसा ही होगा। और अगर आप अपनी बॉडी को ओवरवेट, थका हुआ और बीमार रखना स्वीकार करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी ऐसी ही रहने वाली है और आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि बड़े बदलाव लाने के लिए आपको पर्याप्त मेहनत करने की जरूरत है और लगातार प्रयास करने की भी। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि आपकी जिंदगी आपके तय की गई सीमाओं के आधार पर ही चलती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो किसी के दुर्व्यवहार का शिकार हैं, लेकिन असल में इस बात को हम ही नियंत्रित करते हैं कि लोग हमारे साथ किस तरह का व्यवहार रखेंगे। अपने भावनात्मक, मानसिक और भौतिक स्थान की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी ताकि हम शांति के साथ रह सके, क्योंकि जब आप अराजकता और तनाव के भाव में होते हैं तो दुनिया आपके ऊपर और ज्यादा आघात करती है। द कंपाउंड इफेक्ट बुक आपको सही मायने में हार्ड वर्क करना सिखाती है, क्योंकि रातों रात सफलता पाने जैसी कोई चीज नहीं होती और कंपाउंड इफेक्ट को अपने पक्ष में करने के लिए आपको हर दिन कड़ी मेहनत करनी ही होगी। यहाँ लेखक आपको बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर यही बात समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि प्लेन एनालॉगी, पंप एनालॉगी और स्टीम इंजन एनालॉगी। हमारे द्वारा लाए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो हमारे जीवन में एक बड़ा अंतर लाते हैं। आप रातों रात मोटे नहीं हो जाते और ना ही आप अपनी सारी संपत्ति तुरंत खो देते हैं। यह काफी समय के लगभग हर दिन लिए गए बुरे फैसलों का ही एक मिश्रित प्रभाव होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक के पास अच्छी आदतें लागू करने और बुरे लोगों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही व्यावहारिक सुझाव आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। इसीलिए यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, व्यायाम करने के लिए एक महंगे जिम की मेंबरशिप लेते हैं, नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं, फिर 7 दिन
लगातार एक घंटा गहन रूप से व्यायाम करते हैं, फिर वे परिणामों से निराश हो जाते हैं। इसके बजाय लेखक का सुझाव यह है कि दिन में 10 मिनट चलना बेहतर है और धीरे धीरे इसे बढ़ाते रहना, जब तक कि यह आपके दांतों को ब्रश करने के जैसी आदत ना बन जाए। इस तरह आपके स्वास्थ्य पर लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा एक्टिव होता है, फिर चाहे वो फाइनेंस हो, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप या फिर स्पिरिचुअलिटी ही क्यों ना हो, हर जगह सतर्कता से कंपाउंड इफेक्ट काम करता रहता है। चीजों को धीरे धीरे लेना भी महत्वपूर्ण है। हर दिन काम करें और अपने डिजायर्स को भुलाए बिना आपको कुछ वर्षों के समय में सबसे अधिक गति प्रदान करने वाला कंपाउंड इफेक्ट ही होगा। और कंपाउंड इफेक्ट बिल्कुल इसी तरह एक और इंडस्ट्री में भी काम करता है। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यहाँ लोग रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट का काम बिल्कुल यही काम करता है कि आप एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ना एक दिन में आपकी टीम बिल्डअप हो सकती है, ना एक दिन के अंदर आपको लाखों की इनकम आ सकती है। ये काम धीरे धीरे ही होता है और लगातार मेहनत के साथ ही। ऐसे और भी बहुत सारे सकारात्मक चीजों के बारे में आपको इस बुक में जानने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, या आप भी महत्वाकांक्षी हैं और जीवन के प्रति अपना नजरिया हमेशा सकारात्मक रखना चाहते हैं, तो इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। आपके लिए इस काम को आसान करने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दिया है, जहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि एक एक्शनेबल बुक है। दिस इज दिव्या फ्रॉम chagunity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही अमेजिंग बुक के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।